जय श्री काल भैरव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, हृदय से नमन। आज इस वीडियो में आप सभी के समक्ष अपने अघोर पंथ के साधना काल में जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं मैंने करी हुई हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण साधना जिसके विषय पर मैंने पहले भी चर्चा करी हुई है एक वीडियो में, उस साधना की अघोर पंथ में जिस प्रकार से मैंने साधना करी थी, उस साधना के जो अनुभव थे, उस अनुभवों को मैं इस वीडियो में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये साधना कर्ण पिशाचिनी बहुत उग्र रूप की, जिसमें मल इत्यादि तामसिक, पूर्ण तामसिक रूप से उनकी उपासना की जाती है, उनकी साधना की जाती है, जिस प्रकार से अघोरी करते हैं। मैं उस समय पूर्ण रूप से एक शमशानी साधक, एक तामसी साधक के रूप में, पूरे अघोरी के रूप में उस साधना काल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। और उस समय की ये कर्ण पिशाचिनी की अघोर मार्ग की साधना इतनी दुर्गम, इतनी कठिन, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मैं कई बार मृत्यु के मुख से निकल के आया हूँ। मृत्यु साक्षात आपके जीवंत रहते हुए क्या होती है, किसी भी नीच शक्ति में, ये मुझे उस समय आभास हुआ। मैंने तीनों प्रकार की कर्ण पिशाचिनी की साधनाओं को किया हुआ है, उसके दुष्प्रभावों को भी बहुत गहराई से देखा हुआ है। सांसारिक जीवन में रहते हुए गृहस्थ लोग जो संसार में रहते हैं या घरों में रहते हैं, उनको इस प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आता है। और मुख्य रूप से जो अघोर की साधनाएं हैं, और अघोर की मुख्य रूप से जो कर्ण पिशाचिनी की साधना है, ये तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आपने संन्यास नहीं लिया है, अगर आप संन्यस्त नहीं हैं, अगर आपने घर बार नहीं छोड़ा है, अगर आपने अपना कुल नहीं छोड़ा है, ये आपके घर पर भी दुष्प्रभाव डालती है। ये बात काफी पुरानी है। उस समय मुझे हर प्रकार की साधनाओं को करने का, हर प्रकार की साधनाओं से गुजर के आगे आने का एक भाव था कि कोई भी साधना ऐसी ना छूटे जिसका मोह कभी बना रहे। और इतना ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा इसका प्रचलन है कि किसी भी साधक का भीतर से मोह बना ही रहता है कि ये किस प्रकार की साधना है। कुछ डरावने अनुभवों को पढ़ के साधक एक बार ठिठक तो जाता है कि चलो ठीक है, नहीं करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। किंतु मैं हमेशा से ही चुनौतियों को लेने का आदि रहा हूँ। जितनी भी मेरी साधना रही है, उसमें बहुत सारी साधनाओं को मैंने बहुत एक्सट्रीम पे जाके किया है, जिसमें मैंने अपने स्वयं के शरीर को भी
झोंक दिया है कि मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी बहुत गहरी गहरी साधनाएं जिसमें नीच योनि से लेके उच्च देवी देवताओं तक की साधनाओं को मैंने सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से किया हुआ है। ये काफ़ी पुरानी बात है, बहुत वर्ष बीत गए जब मैं अघोर में था। अनंतनाथ महाकाल नाथ अवघड़ से मैं अनंतनाथ हुआ था और अनंतनाथ होने के बाद जो बहुत सारी अघोर की जो क्रियाएं हैं मेरे लिए ओपन हो चुकी थी, क्योंकि जब आप अघड़ होते हैं तो अघड़ की एक अवस्था अलग है, एक अघोरी की अवस्था अलग है। तो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के आदेश से और मेरी साधनाओं को करने की जिद को देखते हुए हमारे गुरुदेव ने ये साधना करने का मुझे अवसर प्रदान करा। इसमें 6 महीने मैं वहाँ शमशान में पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करके रह रहा था। उसी मध्यकाल में ही अलग अलग बहुत खतरनाक साधनाओं को भी करने का अवसर मिला, जिसमें जीवन पर भी संकट आ गया था और मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे अब इस व्यवस्थाओं को मैं शायद झेल ना पाता। जो भी व्यवस्थाएं उस समय में थी, चाहे वो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में तारतम्यता बिठा के आगे चलने की दशा हो या किसी भी एक मार्ग को चुनने की दशा हो, किसी भी चीज़ में बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल था अघोर में। गुरु कृपा और इष्ट कृपा सर्वोपरि मैं हमेशा मान के चला और जो भी आदेश हुआ उसको आदेश ही मान के चला। गर्दन उड़ाने का आदेश हुआ तो तुरंत चाकू गर्दन पे रख दिया। इस प्रकार से यदि कोई साधक गुरु के आदेश का पालन करते हुए चलता है तो साधनाएं सिद्ध होने के लिए लालायित रहती हैं। आपको मेहनत करने की आवश्यकता उतनी नहीं होती है जितनी एक सामान्य साधक को होती है। काफ़ी पुरानी बात हो गई है, लेकिन जो अनुभव है वो आज भी जीवंत हैं। वो सुगंध हैं, वो दुर्गंध हैं, वो सब आज भी जीवंत हैं। उन्हीं को आपके साथ साझा करने का एक प्रयास है ताकि सभी साधक अपने साधना काल में जो हैं वो अपने अनुभवों से वो सीखें ही, दूसरे अनुभवों से भी सीखें। उसी को ही मैं समझदार समझता हूँ। जब गुरु आदेश से, गुरु आज्ञा से और इष्ट कृपा से जब मैंने इस मंत्र को लिया, जब प्रथम बार मुझे मंत्र मिला वो एक गुप्त शमशान था, सूखा वीराना शमशान था, जो यहाँ पर चिताएं कभी जला करती थी। अब वो सूखा था, निर्जन था, उसके आसपास भी कोई गांव नहीं था। उस गांव में मेरा एक बार जाना हुआ तो उस ये महाराष्ट्र के बॉर्डर की घटना है। महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास एक ऐसी वीरान जगह है जहाँ पर लगभग 3-4 किलोमीटर एक गांव से पैदल चल के उसे शमशान में जाया जाता है। यहाँ की धरती भी फटी हुई है, सूखी एकदम, न कोई खेत है, न कोई घास है, एकदम वीराना और खंडर है। उस स्थान पर मुझे गुरुदेव के द्वारा आदेश हुआ कि यह साधना आपको वहाँ करनी होगी, उस वीराने शमशान में जो कि शमशान हुआ करता था, किंतु इस समय भी वहाँ पर शक्तियाँ जागृत हैं और जो अच्छे साधक हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो वहाँ पर जाकर साधना करते हैं। अब
अब ऐसी व्यवस्था जहाँ पर 3-4 किलोमीटर दूर चारों तरफ कुछ ना हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था ना हो, किसी का आना जाना ना हो, ऐसे स्थान निर्जन स्थान पर जाने से पहले किसी के भी साधक के मन में ये आएगा कि मैं वहाँ कैसे जीवित रहूँगा। लेकिन मेरे भीतर एक बार भी भाव भी नहीं आया, विचार भी नहीं आया, ना ही ये विचार आया कि हो जाएगा और ना ही ये विचार आया कि कैसे होगा। कुछ बोध ही नहीं रहा। आदेश हुआ और मैं सरक के अपने आप को वहाँ पाया मैंने कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जिस रात्रि मैं वहाँ पहुँचने वाला था उसी रात्रि वहाँ पर गांव में, बहुत बड़ा गांव भी नहीं था, 8-10 परिवार ही थे उस गांव में, उस गांव में हम अघोरियों की एक टोली पहुँची हुई थी किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और वहीं पर ही भोजन इत्यादि जो वहाँ की देसी मदिरा थी वो, वहाँ का जो तामसिक भोजन है वो इत्यादि सब हम लोगों ने ज़मीन पर बैठ के खाया। और उसके बाद मुझे आदेश हुआ कि अब आपको निकलना है। मैं जानता नहीं था क्योंकि मुझे ये दोपहर में दिखाया गया था दूर से, ये उस तरफ रहा, उस दिशा में बहुत दूर। मैं सिर्फ उस दिशा को पकड़ के रात्रि में करीब 11-12 बजे निकल गया। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद मुझे जब खंडहर से दूर से मुझे दिखाई दिए कि रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में हल्के हल्के जो खंडहर। यदि आपको ये वीडियो जानकारीप्रद रोमांचक लगी हो तो ज्ञानवर्धन के लिए सभी साधकों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।